हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। एक ऐसे टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे, एटलीस्ट जो टेक कम्युनिटी के लोग थे। अगर आपको साइंस में या एंटरटेनमेंट में जरा भी इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही एक्साइटिंग टूल, बहुत ही एक्साइटिंग वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हम बात करने वाले हैं डाली की, जो ओपन एआई का एक तरीके से टूल है जो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है। और ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि अभी तक ये जो टूल था ये इनविटेशन पे था, और ये टूल पूरी दुनिया में फेमस है आर्टिस्ट के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में और टेक एंथुजियास्ट के बीच में ये टूल बहुत ही फेमस है और सब इसका इंतजार कर रहे थे। और ये टूल वेट लिस्ट में जाके बहुत कम लोगों को इसका एक्सेस मिल पा रहा था, लेकिन आज से ये टूल जो है वो सभी के लिए ओपन है। किस तरीके से इस टूल को आप एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, किस यूआरएल का आपको यूज करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे ये टूल काम करेगा, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है भवि, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या वीडियो को रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक है तो वो मुझे आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो ओपन एआई, जैसा कि आप जानते हैं डाली, ओपन एआई एक कंपनी है, उसका डाली एक टूल था और अब वो सबके लिए ओपन है। किस तरीके से इस पर रजिस्टर करना है वो मैं बता देता हूं। टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन एक तरीके से ये काम करता है। इससे पहले भी मैंने टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन पर एक और टूल के लिए वीडियो बनाया था, वो ऊपर आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने दिया है, वो भी फ्री है। बट यहाँ पर डाली टू बहुत ही पॉपुलर एक तरीके से था पूरी टेक कम्युनिटी में, और इसका जो रिसर्च, जो इसके रिजल्ट थे, जो टेक्स्ट टू इमेज का जो कन्वर्जन होकर रिजल्ट थे, वो बहुत ही अमेजिंग थे। लॉग इन करना है आपको, जो यूआरएल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कहाँ जाकर आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के से पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा, और मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता दूँ। आप साइनअप करेंगे तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि क्रेडिट पॉइंट हर जब भी आप एक टेक्स्ट से इमेज कन्वर्ट करेंगे वो क्रेडिट पॉइंट माइनस होते जाएंगे। हर महीने आपको 15 के आसपास इनिशियली क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे 50 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप जब भी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो तो अपने क्रेडिट पॉइंट्स को वेस्ट मत करिएगा, और वो मंथली रोल ओवर नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके 2 महीने के क्रेडिट पॉइंट आप आगे यूज कर पाएंगे, एक बार यूज करने के बाद खत्म। साइनअप करने का तरीका बहुत आसान है, आप गूगल साइनअप कर सकते हैं। अगर आप आपके गूगल अकाउंट है आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है आप वहां से कर सकते हैं, या आप अपने यहाँ पर कोई भी अकाउंट की डिटेल, जो भी आपका जीमेल का या याहू का अकाउंट है, ईमेल और जो है पासवर्ड डालकर भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा डाली टूल पर आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ अकाउंट, क्योंकि मैंने इस पर क्रिएट कर दिया है। एक बार ये आप लॉगिन कर लेंगे तो ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जहाँ पर माउस पॉइंट कर रहा है, ये माई कलेक्शन, यानी कि जो भी आप इमेज जनरेट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। आप कोई एग्जिस्टिंग इमेज को अपलोड करके एडिट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट डालिए और बदले में आप यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे, उसकी आपको एक इमेज कन्वर्ट होकर आ जाएगी। और ये जो डाली का जो बेसिकली आउटपुट है, जितना आप अच्छा टेक्स्ट देंगे उतनी ही अच्छी आपको एक इमेज निकल के आएगी, और इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम तो यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहां पर टेक्स्ट डाला है हाई क्वालिटी इमेज ऑफ अ बर्गर डांसिंग ऑन द हाईवे। अब आप कुछ भी टेक्स्ट इमेज अपने दिमाग में इमेजिन करिए, वो टेक्स्ट आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद आप यहां पर जनरेट पर जब क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से यहां पर आउटपुट देगा। नीचे आपको टिप्स भी मिलती रहेंगी कि किस तरीके से, किस तरीके आपको, अगर आपको पिक्सल आर्ट करना है तो मेंशन स्टाइल्स लाइक पिक्सल आर्ट, तो एक पिक्सल आर्ट बनकर आ जाएगी। तो बेसिकली जितना आप इसको यूज करते जाएंगे, और ये टिप्स आपको जितने बैकएंड में आपके वीडियो मतलब एक इमेज जनरेट हो रही है उतने में यहां पर आपको ये टिप्स दिखा रहा है कि किस तरीके से, जैसे इस टेक्स्ट पे पांडा मैड साइंटिस्ट मिक्सिंग स्पार्कलिंग केमिकल डिजिटल आर्ट में वो इमेज बनकर आई थी। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी इमेजिनेशन है वो टेक्स्ट के फॉर्म में यहां आप अपडेट करेंगे और डाली उसका आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा, और इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। अब जो मैंने डाला था हाई क्वालिटी इमेज ऑफ अ डांसिंग बर्गर ऑन द हाईवे, आप देख सकते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग, यहां पर 3-4 ऑप्शन मिल गए हैं और ये काफी हाई क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो इमेजेस अच्छी है ही है, साथ ही साथ जो आर्ट को एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो भी कमाल का है। आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसके डिफरेंट वेरिएशन भी देख सकते हैं, ये आप ऊपर की तरफ आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टूल को आज ही जा करके इस्तेमाल करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही गजब के इसके जो है वो रिजल्ट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या ये इन्फॉर्मेशन आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंची है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिएगा, और जरूर आपका कोई भी फीडबैक हो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।